दोस्तों हाल ही में मैं मालदीव जाके आई तो मुझे काफी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ये सवाल पूछा कि कितने दिन का टूर प्लान किया था, कैसे बजट था, कौन सा फ्लाइट बुकिंग किया था, कितने दिन के लिए गई थी। तो उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ। अभी सबसे पहले तो मुझे ये सवाल पूछा गया कि मालदीव जाने के लिए तुम्हारा कितना खर्चा हुआ। तो मेरा खर्चा जो पर पर्सन का था वो 95,000 पर पर्सन 5 नाइट्स के लिए मैंने बुकिंग किया था। लेकिन दोस्तों मालदीव जाने के लिए आप 50,000 में, सिर्फ 50,000 में इंक्लूडिंग फ्लाइट मालदीव कैसे जा सकते हो, वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी टिकट्स, वीजा और पासपोर्ट के बारे में। तो मालदीव एक अलग कंट्री है, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसे लगता है कि मालदीव जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं है दोस्तों, मालदीव जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, वो हो गया। उसके बाद आता है वीज़ा। मालदीव का वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब वीज़ा फ्री है। सिर्फ वीज़ा का एक एक साइट रहती है जिस साइट का नाम है इमूगा। इमूगा एक साइट है, उस पर आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक स्कैनर मिलेगा, वो स्कैनर आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे दिखाना है, और एयरपोर्ट पे दिखाने के बाद आपका वीज़ा डन हो गया तो आप एंट्री मालदीव में ले सकते हो। वो फॉर्म हम लोग ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आपको गूगल में सर्च करिए, अगर आपको नहीं मिला तो आप मुझे बोलिए, उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगी। सेकेंडली आता है आपका टिकट्स। दोस्तों मैंने जो टिकट कराया था वो मुझे पड़ा था 22,000 पर पर्सन आने और जाने का। मैंने थोड़ा लेट बुकिंग कराया था इसलिए मुझे 22,000 पड़ा। मैंने उसमें इंश्योरेंस भी ऐड करवाया था। तो आप अगर जल्दी बुकिंग करते हो तो आपको अराउंड 20,000 में ये टिकट्स मिल जाएंगे। फिर आता है आपका स्टे, आपका फूड और आपकी वाटर एक्टिविटी जो मालदीव्स में आप करेंगे। जैसे मैंने बोला, हम लोग मिनिमम से स्टार्ट करेंगे जैसे 50,000। तो देखो 50,000 में से 20,000 तो आपके चले गए फ्लाइट में, तो बचे कितने, 30,000। मालदीव्स एक आइलैंड से बनी हुई कंट्री है, जैसे चारों तरफ पानी है और उस पानी के बीच में छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड है, अराउंड 2,000 से भी ज्यादा आइलैंड है। उसमें दो पार्ट गिरते हैं, जैसे एक पब्लिक आइलैंड, एक प्राइवेट आइलैंड। प्राइवेट आइलैंड क्या होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट होटल्स के होते हैं, जहाँ पे अलग अलग टाइप के वाटर विला, बीच विला, ऐसे डिफरेंट, या बड़े फैमिली के लिए फैमिली विलाज, ऐसे अलग अलग विला होते हैं। और पब्लिक आइलैंड, पब्लिक आइलैंड क्या होता है, जहाँ पे वहाँ के लोकल लोग, पब्लिक लोग रहते हैं, वो भी एक आइलैंड ही होता है। वहाँ पे भी बीच होता है, वाटर एक्टिविटी सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक लोग भी रहते हैं। तो वहाँ पे जो होटल्स होते हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं, वो आपको काफ़ी चीप रेट में, जैसे 5,000 से स्टार्ट होता है पर नाइट, 6,000 7,000 8,000 के हिसाब से आपको मिलेंगे। देखो मालदीव में 3 नाइट्स आपको इनफ है, अगर आप पब्लिक आइलैंड रहते हो तो 3 नाइट। मालदीव बहुत छोटी कंट्री है, तो मालदीव में 3 नाइट इनफ है, आप 3 नाइट में अच्छे से घूम सकते हो। तो अगर आप 7,000 भी आप पकड़ते हो पर नाइट के हिसाब से, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, तो आपका ब्रेकफास्ट का पैसा भी बच रहा है, तो आप 3 नाइट्स पकड़ लो, 21,000 तो आपके वहां पे चले गए। तो 21,000 जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, वो 2% का है, तो समझ लो आप 22,000 भी पकड़ लो 2% के लिए, तो 11,000 पर पर्सन आपको 3 नाइट विद ब्रेकफास्ट अच्छे 4 स्टार या 5 स्टार होटल में मालदीव्स में स्टे करने मिल रहा है। लेकिन उसकी बुकिंग आपको पहले करनी पड़ेगी। इनफैक्ट वो होटल्स आपको पिकअप और ड्रॉप भी देंगे, जो माले एयरपोर्ट है वहां से आप पिक करेंगे आपको वो लोग, और फिर आपको ड्रॉप भी दे देंगे, और वैसे ही होने के बाद भी एयरपोर्ट में आपको छोड़ेंगे। तो आप बोलोगे अभी ये पब्लिक आइलैंड कौन सा है, तो मैंने जो पब्लिक आइलैंड चुना था उसका नाम था मफूशी। मफूशी एक पब्लिक आइलैंड है जो वहाँ पे बहुत फेमस है, वहाँ पे आप रह सकते हो, बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं वहाँ पे, आप अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो,
वहाँ पे घूम सकते हो। वहाँ का बिकनी बीच बहुत अच्छा है, फोटोज़ के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वो सब आप वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों पब्लिक आइलैंड में, मॉल्दीव्स के पब्लिक आइलैंड में एक रूल है कि आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। वो मैंने आप वीडियो में भी बताया था, अगर आप एकदम प्रॉपर से पार्टी पर्सन हो, अल्कोहलिक हो, तो वहाँ पे आप ड्रिंक नहीं कर सकते। वहाँ पे किसी भी होटल में अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता है। 50,000 बोला था, 50,000 में से 20,000 आपका चला गया फ्लाइट बुकिंग, उसके बाद 11,000 आपका चला गया स्टे, जो होटल का स्टे आप करोगे वो। एक्चुअली 22,000 है, लेकिन पर पर्सन के हिसाब से जाता है 11,000 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और ट्रांसपोर्ट, 11,000 चला गया उसमें। बचता है कितना? 19,000। अब आप बोलोगे जो 19,000 आपके बचते हैं उसमें क्या करना चाहिए। देखो उसमें आप 5-6 हज़ार आपका ज़्यादा फूड में नहीं जाएगा, क्योंकि ड्रिंक वगैरह तो आप ऑब्वियसली नहीं करोगे, वहाँ पे ड्रिंक अलाव ही नहीं है, तो फूड में आपका ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। तो आपको वहाँ पे मॉल्दीव्स में क्या करना है, या मॉल्दीव्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मॉल्दीव्स जा रहे हो लेकिन आपको करनी है ऐसी वाली। तो देखो आप स्नॉकलिंग एक है, वो करिएगा शार्क के साथ, वो लोग स्विम कराते हैं स्नॉकलिंग में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने वीडियो में भी डाला हुआ है, आप देखिएगा। उसके बाद एक स्टिंगरे फिश करके वहाँ पे है, वो बड़ी बड़ी फिश होती है ऐसे, आपको पता होगा, वो दिखाते हैं, उनको फीडिंग कराते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद वहाँ पे एक सैंड बैंक करके एक जगह है, वो जगह ऐसी है पूरा समुंदर और बीच में थोड़ा सा पार्ट होगा जमीन का, बीच नहीं बोल सकते, छोटा सा आइलैंड, इतना छोटा आइलैंड होगा जैसे आप अपनी एक सोसाइटी है, उतना छोटा आइलैंड होगा। तो वो आप एक्सपीरियंस कीजिए, अमेजिंग है वो, मुझे नहीं लगता आपको कहाँ देखने मिलेगा। अगर आप मॉल्दीव्स जाते हो तो सैंड बैंक ज़रूर ज़रूर जाइएगा। उसके बाद वहाँ पे एक बोट है, उसको सिंक हुई बोट है, वो सिंक होके ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए, तो वो बोट आपको अंदर से वो लोग दिखाते हैं। हाँ ज़रूरी नहीं है आपको स्विमिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा आप भीड़ बनिए, पानी से डरिएगा नहीं। तो वो बोट को जैसे कोरल लगे हुए है, उसके अंदर अलग अलग तरह की फिश है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये आप ज़रूर करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मॉल्दीव्स जाके आपको करनी है, इसको वो लोग एक्सकर्शन ऐसे कहते हैं। तो फुल डे वहाँ पे, हाफ डे और फुल डे, ऐसे दो एक्सकर्शन होते हैं। तो आप फुल डे वाला एक्सकर्शन लीजिए, जो सुबह 9 बजे वो लोग पिकअप रहेगा उनका, तो आफ्टरनून को 3-3.5-4 बजे तक वो लोग आपको होटल में छोड़ देंगे। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आप डॉल्फिन दिखाएंगे आपको, बहुत बहुत अच्छा है वो, आप ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। फिर एक दिन आप वहाँ का जो बिकनी बीच है, बहुत फेमस है, वो बीच में आप चले जाइए, वहाँ पे फ़ोटोज़ निकालिए, बहुत सारे झूले हैं, फ़ोटो सेशन के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, तो बिकनी बीच में आप फ़ोटो निकालिएगा। रात को भी घूम सकते हैं, वहाँ पे डीजे नाइट होती है, डीजे चल रहा होता है, तो वो भी आप डीजे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ जगह पे उनके लोकल लोगों के डांस, जो उनके ट्रेडिशनल डांस है या ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, वो चलते रहते हैं, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो देख सकते हो। अब आप बोलोगे मॉल्दीव जा रहे हैं और वाटर विला में नहीं रुकेंगे, तो क्या मतलब है? तो यही पे आपका बजट बढ़ जाता है। वाटर विला में रहने का पर नाइट का कॉस्टिंग मिनिमम आपको 25-30,000, 25 भी मैंने कम ही बोला, 30-40,000 पर नाइट का चार्ज होता है। और अगर आप बोलते हो कि चलो मैं एक नाइट रुक के उसका एक्सपीरियंस ले लेता हूँ वाटर विला का, तो ऐसे नहीं होता। वाटर विला, ये जो सारे प्राइवेट रिसॉर्ट हैं, ये मिनिमम 3 नाइट का वाटर विला का स्टे आपको प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम 3 नाइट। कुछ रिसॉर्ट हैं वो आपको फाइन करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, या वो मैं आपको बताऊँगी, बहुत रेयर है, मतलब 50 में से हार्डली 2 हो सकते हैं जो आपको 2 नाइट का वाटर विला का स्टे देंगे, नहीं तो सारे रिसॉर्ट आपको मिनिमम 3 नाइट का स्टे देते हैं। तो उधर ही आपका अराउंड 1 लाख रुपी चला जाता है। फिर भी दोस्तों मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि भले आप पैसे
जमा करे थोड़े साल के बाद जाए, लेकिन आप वाटर विला का एक्सपीरियंस जरूर जरूर लीजिएगा। तो काफी लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक आइलैंड है वहां पे जाते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है, डायरेक्टली जाएंगे प्राइवेट आइलैंड में, प्राइवेट रिसोर्ट में जहाँ पे अलग अलग वाटर विला है, बीच विला है। तो थ्री नाइट्स अगर वो लोग आपको थ्री नाइट्स ही देते हैं, थ्री नाइट्स से कम वो लोग नहीं देते, तो थ्री नाइट्स आप बस वहीं पे जाइए, वहीं पे आराम कीजिए। वहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, उनके वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर एक्टिविटीज होती है अलग अलग तरह की। वहाँ वो लोग आपको ड्रिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे अल्कोहल यहाँ पे पब्लिक आइलैंड में नहीं है, प्राइवेट आइलैंड में अल्कोहल वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, सब देंगे। तो वो सारा आप थ्री नाइट्स अच्छे से एक्सपीरियंस करिएगा। हाँ, जो वाटर एक्टिविटी या वो लोग वाटर स्पोर्ट्स स्नॉकलिंग कराएंगे, उसका प्राइसेस पब्लिक आइलैंड से प्राइवेट आइलैंड में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप बोलोगे पूजा तूने कैसे प्लान किया था, अब वो बताना। तो दोस्तों, मैंने पब्लिक आइलैंड भी चूज़ करा था और प्राइवेट आइलैंड भी चूज़ करा था। मैं दोनों जगह गई थी। मैं था मैंने पब्लिक आइलैंड टू नाइट्स के लिए बुक कराया था, और जो प्राइवेट आइलैंड है वो थ्री नाइट्स के लिए बुक कराया था। पब्लिक आइलैंड में मैंने अलग अलग तरह के, जैसे एक्सकर्शन, वाटर एक्टिविटी, वो सारे किए। बिकनी बीच में गई, उनके लोकल डांस वगैरह देखे, वो सारे दो दिन के लिए मैंने वो सब मैंने एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैं चली गई प्राइवेट आइलैंड में। प्राइवेट आइलैंड जो है, जिस प्राइवेट आइलैंड में हम लोग गए थे, प्राइवेट रिसोर्ट में गए थे, उसका नाम था ओब्लू एक्सपीरिया आलिया फुशी। बहुत अच्छा पैकेज उन्होंने हम लोगों को दिया था, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और ऑल टाइप्स ऑफ ड्रिंक, कॉकटेल, मॉकटेल, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, सारे हाई टी, जो टी कॉफ़ी हम लेते हैं वो, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड था। तो अच्छा पैकेज मिला वो मुझे थ्री नाइट का, तो वो मैंने बुक कराया। इसलिए मेरा ऐसा हुआ कि मॉड्यूल्स में मैंने दोनों मुझे देखने को मिला, पब्लिक आइलैंड, प्राइवेट आइलैंड दोनों देखने में मिला। मुझे ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं पब्लिक आइलैंड में रुकी थी, पब्लिक आइलैंड में आईकॉम मरीना नाम के होटल में रुकी थी, तो उन्होंने मुझे पिकअप और ड्रॉप दे दिया। और फिर जब प्राइवेट आइलैंड में मैं रुकी थी, प्राइवेट रिसोर्ट में मैं रुकी थी, तो ब्लू एक्सपीरिया आलिया फुशी जो रिसोर्ट था, उसने भी मुझे पिकअप और ड्रॉप दोनों प्रोवाइड किया। तो मेरा ट्रांसपोर्ट का मुझे कुछ भी चार्ज, एक फ्लाइट छोड़ के मुझे वहाँ पे लोकल कुछ भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ा। तो मैंने जो अपना फ्लाइट बुकिंग था वो खुद करवाया था, और बाकी जो पैकेज है वो मैंने एक एजेंसी से करवाया था, उनका नाम है फ्लाई ओवर हॉलीडेज। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अच्छे हैं, जेन्युइन लोग हैं। जैसे मुझे पैकेज चाहिए था, पब्लिक आइलैंड में भी चाहिए था, प्राइवेट आइलैंड में प्राइवेट रिसोर्ट भी चाहिए था, वाटर विला भी चाहिए था, तो दोनों का मर्ज उन्होंने प्रॉपर से मुझे करके दिया। तो उनका नंबर मैं आपको दे दूंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग ट्रैवल अपडेट पाने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।